स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सी ए ड्रीम्स पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 डेज़ का रिविजन प्लान सी ए आई पी सी सी ओल्ड कोर्स पेपर 2 के लिए, जो कि है बिजनेस लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसको 30 दिनों में कैसे कवर किया जाएगा, यहाँ पे हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले। इसके पहले हम लोगों ने अकाउंट्स के लिए भी सेम प्लान लेके आए 30 डेज़ का, जो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। लॉ का पेपर देखिए कैसा पेपर है, जहाँ पर आप इजीली 60 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, 60 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे ला सकते हैं, ये बहुत ईजी है। देखिए आपको आपका कोर्स किस दो चीज़ में, दो सेगमेंट में बटा हुआ है आपका कोर्स। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स है और आपका जो एथिक्स कम्युनिकेशन है वो 40 मार्क्स है। तो आपको ये समझना होगा ये दो में बटा हुआ है। और ये भी क्या 2020 है यहाँ पे, और आपका जो लॉ वाला पोर्शन है वहाँ पे भी अदर लॉ भी है कंपनी एक्ट के साथ में, ठीक है। तो शायद वो 30-30 का रेशियो होगा, ठीक है। तो अब देखिए प्लान को हम लोग कैसे सेग्रीगेट किए, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस प्लान को हम लोग पूरा डेवलप किए हैं कि आपके काम आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन आपको 7 डेज में ख़त्म कर लेना है 25 आवर में। फिर आपको एथिक्स करना है जो कि 20 आवर आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अभी आप इस दोनों टॉपिक में हम लोग फोकस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ से आपका 40 मार्क्स आएगा। और 40 मार्क्स ये यहाँ पे स्कोर क्यों नहीं आता, एथिक्स कम्युनिकेशन क्यों बच्चों को हार्ड लगता है, क्योंकि वो पॉइंट पर फोकस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार कैसे रटे, क्या करें, लेकिन आपको रटना होगा। अगर आपको आंसर का पॉइंट आता होगा ना, आप इजिली टोटल जितना फुल मार्क्स है वो आप सिक्योर करके निकल जाओगे। तो फोकस करो कि पॉइंट है, कीवर्ड है, उसको आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। आपको करना क्या है कि ये 14 डेज़ के अंदर आपको ये पूरा कवर कर लेना है अच्छे से। आप चाहे पहले कम्युनिकेशन करो, बाद में एथिक्स करो, या पहले आप एथिक्स करो फिर आप कम्युनिकेशन करो, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने एक सजेस्टेड प्लान बता दिया कि ये 14 डेज़ के अंदर आपको ये दो टॉपिक आपको टोटली एकदम शिद्दत से ख़त्म कर देना है, कि कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर सको, इस ढंग का प्रिपरेशन कर लो एथिक्स कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और रिवीजन भी करना, देखिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है एथिक्स कम्युनिकेशन। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे, डिस्ट्रॉय, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 14 डेज में आके आप 14 जो डे 14 है यहाँ पे आकर रिवाइज कर लीजिएगा पूरे दिन बैठ के। उस दिन आप कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ एथिक्स कम्युनिकेशन फोकस रखिएगा। किंसुट का जो आरटीपी है नवंबर का, मई का, आपको उसको भी साथ में कवर कर लेना है, ठीक है। मई का हो गया, नवंबर हो गया, ये दोनों टर्म का आरटीपी आपको अच्छे से रेफर कर लेना है कि एथिक्स कम्युनिकेशन में क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और आंसर कैसे लिखा हुआ है, सारा इसको फोकस कर लीजिएगा। फिर आप आगे मूव कीजिएगा बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ में आप देखिए बोनस एक्ट काफ़ी इजी है, पीएफ है काफ़ी इजी, ग्रेचुटी आराम से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 डेज एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको 15-20 घंटा पढ़ना है, 3-4 घंटा करके आपको देना है, तो इजीली आपका ये कवर हो जाएगा। और ये क्या बहुत इजी है और आराम से याद रहेगा, बस चार्ट बना लीजिएगा क्या थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बोनस का एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेचुटी का एक कॉन्सेप्ट है, पीएफ का एक कॉन्सेप्ट है, और सबका अपना रेशियो है। तो फोकस कीजिएगा कि हाँ वो मतलब मिक्सअप नहीं हो जाए चीज़, वो अच्छे से याद रहे। फिर आपको क्या करना है देखिए, फिर आप कंपनी है कंपनी एक्ट में आइए। कंपनी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप आर्टिकल शिप करने जाओगे तो वहाँ एप्लीकेशन है, जब आप फाइनल में जाओगे वहाँ पे भी कंपनी एक्ट का एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो फोकस कीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि यार 30 मार्क्स है वहाँ पे तो हम कुछ भी पढ़ के चल जाएँ, एथिक्स कम्युनिकेशन हम अच्छा पढ़ लिए, अच्छा मेरा प्रिपेयर है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को भी आप सोच के चलिए कि कितना रेलिवेंट है ये कंपनी एक्ट। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप आराम से अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मल सा बात है ना, बट ऑब्वियस है, फिर आप कंपनी एक्ट में उतना ही फोकस दोगे। और इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए कितना दिन एलोकेट किया हुआ है, डे 20 से डे 27, अप्रॉक्स 24-28 आवर आपको कंपनी एक्ट एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल एक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। वो आपका 3 दिन में आपको कवर कर लेना है। तो टोटल आपका हो गया देखिए कितना, 120 घंटा अप्रॉक्स टोटल में अगर रफली देखा जाए तो। तो इसको आपको टोटल 120 घंटा में पेपर 2 में आपको पूरा कवर कर लेना है। अब आप देखो डेली 3-4 घंटा पढ़ोगे 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एलोकेशन में बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप एक लगातार पढ़ सकते हो बिजनेस लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप डेली पढ़ लोगे और आपको दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है, आप आराम से 10-12 घंटा डेली दे सकते हो, तो ये आपका 10 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। तो आपको डिसाइड करना आपको डेली पढ़ना है
डेडिकेटेड होके कि हाँ मुझे लॉ का ही प्रिपरेशन करना है ये 10 दिन, तो आप उसको 10 दिन आराम से कर लो, और नहीं तो आप 3 से 4 घंटे डेली पढ़ो, 30 दिन में खत्म हो जाएगा, साथ में आपका और भी पेपर चलेगा, लेकिन आप रिविजन करते रहना इसको, ठीक है। और इसका PDF हम लोग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो काफ़ी यूजफुल चैनल है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उस चैनल का, हाँ ये देखिए चैनल, तो इस चैनल से देखिए हम लोग साथ जुड़े हुए हैं करीब 14,000 मेंबर हम लोग साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सारे सारे सब्जेक्ट का नोट्स अपलोडेड है, आपको मॉक टेस्ट पेपर, एसेड आंसर, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनका PDF में नोट्स, लेक्चर्स सब एक जगह मिल जाएगा। इसीलिए देखिए मेंबर भी इतने ज्वाइन कर चुके हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट चैनल है। तो इसका भी लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इस PDF फाइल में भी है हमारे चैनल का लिंक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ऐसा ही वीडियो पूरा सीरीज चाहिए फटाफट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये वीडियो हमें और चाहिए आगे, तो हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।